लॉकडाउन से परेशान आर्थिक तंगी झेल रहे 9 सदस्य परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार लखीसराय के कवैया के जोरा शिव मंदिर स्थित वार्ड संख्या 32 के निवासी स्वर्गीय मूसो राम के 45 वर्षीय पुत्र महेश राम ने शनिवार को गले में रस्सी डालकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई। मृतक महेश राम पसिया टोला स्थित चौक के पास चाय की दुकान चलाता था। स्थानीय लोगों व वार्ड पार्षद नीरज कुमार ने कहा, मृतक लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ दिनों से आर्थिक व मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के घर में शुक्रवार से पैसे के अभाव में भोजन नहीं बना था, जिसके कारण पूरा परिवार शुक्रवार से ही भूखा था। घर के मुखिया होने के नाते परिवार के सदस्यों को भूखे रहना सहन नहीं कर पाया और गले में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्योंकि लॉकडाउन का अब डिस्टेंस बनाइए, लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए कहीं आर्थिक तंगी से लोग आत्महत्या ना करें, मजबूर ना हो, इसी के लिए हम लोग आए थे। पता चला कि पिता और पुत्र में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई थी और तनाव में उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। वह आदमी हमारा अंत्योदय कार्डधारी है और मार्च महीने का 35 किलो अनाज उस परिवार को मिला है, और इसलिए नहीं लगता है कि तत्कालिक कारण अनाज की कमी रहा है। पिता पुत्र में विवाद हुआ है किसी गंभीर मुद्दे पर, उसके कारण उस आदमी ने आत्महत्या कर ली है। नाम महेश राम है, वार्ड नंबर 32 है। आगे सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था किया गया मृतक के परिजनों को? मृतक के परिजन को जो मिलता है पारिवारिक लाभ है वो हम देंगे, अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, और जो अनाज मिलते आ रहा था वो मिलते रहेगा उस परिवार को, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और तत्काल हम लोगों ने उसको चावल, आटा, आलू वगैरह की आपूर्ति दी है राहत सामग्री। सदर SDO मुरली प्रसाद सिंह ने कहा कि राशन कार्ड से मिले 35 किलो अनाज दिया गया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अनाज के कारण जान गई थी। पिता पुत्र में कुछ विवाद हुआ था, उसी को लेकर पिता आक्रोशित होकर आत्महत्या कर लिए, इस मामले की जानकारी ली जा रही है। मामले को लेकर डीलर से भी पूछताछ की गई है। अजय कुमार, टुडे बिहार न्यूज, लखीसराय।